Assalamualaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 10 of grade 5 science, technology in everyday life. आज का हमारा next topic जो है वो main है, वो है what is LED light string. तो students, जो LED light string होती है, छोटे-छोटे tiny bulbs होते हैं और बहुत ज़्यादा जो several bulbs होते हैं, वो attach होते हैं एक wire के साथ. ये जो light bulbs होते हैं, ये regular intervals के साथ जो हैं, वो उस wire पे attach होते हैं. और students, इनकी wiring जो है, वो parallel way में की गई होती है. students, जितने भी ये bulbs होते हैं, इनको सबको same जो है वो voltage दिया जा रहा होता है. और ये जो LED bulbs होते हैं, हमें different है वो कलर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं. स्टूडेंट, अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो है एक एलईडी लाइट की स्ट्रिंग जो है वो बनाएंगे. आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. स्टूडेंट, हमें चाहिए एलईडी बल्ब्स, हमें चाहिए, हमें बैटरी चाहिए, हमें वायर्स चाहिए, हमें नेल चाहिए, हमें कार्डबोर्ड जो है उसका एक पीस चाहिए. तो स्टूडेंट, आप लोगों ने करना ये है कि आपने कार्डबोर्ड का जो है वो एक स्ट्रिप जो है वो काटनी है, जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और 4 सेंटीमीटर जो है वो वाइड होगी. स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, नेल की मदद से आपने उस कार्डबोर्ड के ऊपर 24 होल्स बनाने हैं. स्टूडेंट, जब आप लोग एलईडी के जो टाइनी बल्ब है उसको देखेंगे, तो आप देखेंगे उसके एक वायर जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है और जो एक वायर होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है. जो लॉन्ग वायर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है, जबकि जो स्मॉल या शॉर्टर जो उसकी वायर होती है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाती है. तो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है कि एलईडी की जो बल्ब है उसको आपने जो होल्स आपने कार्ड पर बनाए हैं, आपने एक जो उसकी लॉन्गर वायर है उसको आपने एक होल से निकालना है और दूसरी जो वायर है उसको आपने दूसरे होल से निकाल के आपने इसी तरह से जितनी भी एलईडी लाइट है उनको आपने उस कार्डबोर्ड पे अटैच कर देना है. तो स्टूडेंट, आप लोगों को जो बैटरी इसमें चाहिए वो 12 वोल्ट की जो है वो बैटरी चाहिए और आपने जो है वो 24 एलईडी बल्ब जो है वो लेने हैं. तो स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, 6 एलईडी बल्ब के 4-4 के ग्रुप्स बना देने हैं. अब आपने करना क्या है कि एक एलईडी बल्ब का जो नेगेटिव टर्मिनल है आपने दूसरे जो एलईडी बल्ब है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इसी तरह से उसका जो सेकंड वाली हमारे पास एलईडी होगी उसका नेगेटिव जो है वो नेक्स्ट वाली जो हमारे पास एलईडी होगी उसका उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ जो है वो आपने उसको अटैच करते जाना है. फिर एंड पे आपने क्या करना है, जब आप ये सारे ग्रुप्स के जो है वो इस तरह से अटैच कर लेंगे एक कनेक्टिंग वायर के साथ, आपने इसको इनको ज्वाइन करना है. और स्टूडेंट, फिर आपने क्या करना है, जो भी उनके पॉजिटिव एंड्स होंगे उनको आपस में कनेक्ट कर देना है और जो नेगेटिव एंड्स होंगे उनको आपने आपस में कनेक्ट कर देना है. और एट द एंड पे जो भी साइड्स पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास पॉइंट्स रह जाएंगे फ्री, तो जो पॉजिटिव आपके जो पॉइंट आएगा एलईडी बल्ब की जो स्ट्रिंग है उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव जो एंड है वहां से जोड़ देना है और जो स्ट्रिंग का जो नेगेटिव फ्री एंड आएगा उसको आपने बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जोड़ देना है. और अब आपने स्विच ऑन करना है, तो आप देखेंगे जो आपकी जितनी भी एलईडी लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं. जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.